राष्ट्रीय कुमार महासभा और वागड़ मेवाड़ प्रजापति समाज संस्थान के बैनर तले प्रजापति समाज के लोगों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और हाल ही में राज्य सरकार के राजस्व विभाग की ओर से जारी आदेश में प्रजापत कुमार सहित समकक्ष जातियों के जमाबंदी में कुमाऊं अंकित करने का विरोध दर्ज करवाया। राष्ट्रीय कुमार महासभा के प्रदेशाध्यक्ष मोड़ीलाल सेम्बारा ने बताया कि सरकार के राजस्व विभाग के आदेश के बाद प्रजापत और कुमार समाज की जमाबंदी में बदलाव करने के आदेश जारी किए गए। उस आदेश के बाद प्रजापत और कुमार समाज के लोगों में रोष है, ऐसे में इस आदेश में बदलाव होना चाहिए। वागड़ मेवाड़ प्रजापति समाज संस्थान के संभागीय अध्यक्ष डूंगरलाल प्रजापति ने बताया कि राज्य सरकार ने जिस तरह का आदेश पारित किया उसके बाद राजस्व मंत्री ने सभी जिला कलेक्टर को आदेश दिए, उससे लगता है कि कुमाऊं समाज के लोगों ने राज्य सरकार को गलत सूचनाएं दी। ऐसे में सरकार को फिर से उस आदेशों का रिव्यू कर प्रजापत और कुमार समाज के लोगों को राहत प्रदान करनी चाहिए। जिस प्रकार से राजस्थान सरकार ने हमारे कुमार प्रजापति समाज के जमाबंदियों में राजस्व रिकॉर्डों में जो नाम जो कुमावत करने का जो मतलब आदेश जारी किया, निर्मल कुमावत जी जो विधायक साहब ने जिस प्रकार से इस तरह का विरोध किया है कि भी कुमारों को हटा के कुमावत जाति को अंकित किया जावे, जबकि वास्तविकता यह है कि कुमार समाज प्राचीन काल से ही कुमार ही लगाते आए हैं, प्रजापति लगाते आए हैं और इस नाम को हटाया नहीं जावे, इसीलिए हमने आज कलेक्टर साहब को ये ज्ञापन दे रहे हैं कि हमारे राजस्थान सरकार को अवगत करा रहे हैं कि जो हमारी जाति है उसको मिटाया न जावे और जो सही स्वरूप में है उसी अनुरूप में रहने दी जावे। अगर कुमाऊं समाज का नाम कहीं से भी उनको मिट गया है तो उनको राजस्व न्यायालय है विधि अनुसार उसकी कार्रवाई कराई जावे, किसी आदेश से उसको ख़त्म न किया जावे और कुमारों के मतलब जाति को बिल्कुल ही संपूर्ण नष्ट करने की जो चेष्टा कर रहे हैं इस प्रकार की कार्रवाई नहीं की जावे। इसी उद्देश्य से हम ये ज्ञापन दे रहे हैं, राजस्थान सरकार से हमारी मांग है कि हमारी यथास्थिति बनाए रखें, यही हम चाहते हैं। राष्ट्रीय कुमार महासभा प्रदेश अध्यक्षों में और जो निर्मल कुमार जी द्वारा विधानसभा में प्रश्न उठा के प्रजापत कुमार जाति को कुमावत लिखने का जो आदेश सरकार ने किया है उनका हम घोर विरोध करते हैं। समाज में सरकार किसी सरकार को ये अधिकार नहीं है किसी को जाति बदल ले, और जाति बदलने का प्रावधान सरकार में कहीं भी नहीं है, लेकिन इस तरह से ये गलत आदेश निकाला है, हम उसका विरोध करते हैं। कुमावत अलग जाति है और कुमार प्रजापति अलग जाति है, इसलिए इनको किसी भी हालत में नाम बदला नहीं जाए। अगर ये आदेश विड्रॉ नहीं करेंगे पूरे राजस्थान में जन आंदोलन करेंगे, आमरण अनशन करेंगे, जब तक ये विड्रॉ नहीं कर जब तक हम आंदोलन वापस नहीं लेंगे। ये हमारा सरकार से निवेदन है, ये सरकार की जिम्मेदारी है, हम निवेदन कर रहे हैं अभी, नहीं पूरे राजस्थान में एक आंदोलन तेज़ होगा जिसकी सरकार की और प्रशासन की जिम्मेदारी है। धन्यवाद।